अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। कराची के अंदर आज दिफाई नुमाइश का पहला दिन था, आइडियाज़ हमने देखा एक्सपो सेंटर के अंदर, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। 64 ममालिक ने आज जो है वो शमूलियत इख्तियार की और यहाँ पर जो वेपन्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों की नुमाइश की गई और बड़ा फ्रूटफुल जो है उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हुए। कल के रोज़ भी होगा और 18 नवंबर तक ये चीज़ चलती रहेगी, इसको भी डिस्कस करेंगे आज। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की बात अगर हम करें, बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड, हम देख रहे हैं कि कुछ 4-5 माह का अरसा गुजर चुका है, बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर पर ताखीर की जा रही है। क्यों ये मौखर हो रहे हैं, इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है। जो सिक्योरिटी एहलकारों का मसला था उसको भी अब सॉर्ट आउट कर दिया गया, अब देखना ये कि फैसला क्या दिया गया, उसको भी डिस्कस करेंगे। सेहत की सहूलियात की अगर बात कर ली जाए तो सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। डाओ ओजा कैंपस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कैंसर सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया है। लिवर की अगर बात की जाए तो उसमें 75 कामयाब ट्रांसप्लांट हुए थे, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पर कैंसर सेंटर का जो इफ्तिताह किया है उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद थे और सीएम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। पहली स्टोरी पर आ जाते हैं, तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। कराची के अंदर जो दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का शानदार आगाज़ आज हमने देखा, और सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पर यह थी कि जब भी कोई नुमाइश होती है तो जो रूट्स होते हैं मुतबादिल रूट्स दिए जाते हैं ताकि शहरी परेशान ना हो। तो हमने सबसे पहले देखा कि मुतबादिल रूट्स की वजह से आज शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर बात कर लें एक्सपो सेंटर की तो आज हमने बड़ी गहमा गहमी देखी। आर्म फोर्सेज वहाँ पर, तीनों मुसल्ला अफवाज जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कमांडर्स हैं, जो ब्रिगेड कमांड करते आ रहे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, वो आज इफ्तिताह करते नजर आए। डेलीगेशन थे मुख्तलिफ ममालिक के, वो भी उनके हमरा नजर रहा है। हमारी रिपोर्टर आज पूरा दिन वहां पर मौजूद रही, उन्हीं से जानेंगे। हुदा शेख कॉल पर मौजूद हैं। हुदा, आज आइडियाज का पहला दिन था एक्सपो सेंटर में, जरा बताइएगा, तफसीलन गुफ्तगू कीजिएगा कि कैसा रहा आज का पहला दिन। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं, आज आइडियाज नुमाइश का पहला दिन था और बिलावल भुट्टो वजीर खाजा ने जो है वो दिफाई नुमाइश का आज इफ्तिताह किया। इस वक्त इफ्तिताह के मौके पर जो उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने उस खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है, और उन्होंने ये भी बताया कि इत्तेहादी मुल्क जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मुल्क को माशी चैलेंजेस से निकालने के लिए मजीद काम कर रही है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं जिनसे नबर्द आजमा होना पड़ रहा है। दूसरी जानब जो उन्होंने एक्सपो के हवाले से जो बात की उसमें वो उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और जो मस्तूई जहानत का इस्तेमाल है तरक्की की तरफ बहुत माविन है, और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। कितने ममालिक, हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से ममालिक आने वाले हैं, आज किन किन ममालिक के डेलीगेशन को हमने देखा आइडियाज में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि 64 ममालिक के जो है वो 285 डेलीगेट्स ने जो है वहाँ शिरकत की थी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आइडियाज में जो है वो आज सेमिनार का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है वो बैनुल अक्वामी माहिरीन जो वो शरीक थे और उन्होंने अपने अपने तजर्बात जो है वो वहाँ पर शेयर किए, जिससे जो है यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी और दूसरे ममालिक को जो है वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से दिफाई शोबे में जो है वो बहुत सारी जिद्दत और बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझने को और देखने को और सीखने को भी मिली हैं। जी ठीक है, ज़रा तफसीलन ये भी बताइएगा, जो जंगी हालात के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और गैर जंगी हालात में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों की नुमाइश की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बनाई गई जो चीज़ें, जो 11 चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है कि 11 नई मसनूआत मुतारिफ़ कराई हैं, वो क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है दिफाई नुमाइश में जो मुल्की इदारा है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके तैयार करदा अबाबील सीरीज के जो ड्रोन्स हैं वो खास तौर पर जो है मर्ट बम गिराने के लिए जो महारत रखते हैं उनको जो है यहाँ पर शो किया गया है आइडियाज नुमाइश में, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जंगी और गैर जंगी हालात में, आग बुझाने के लिए भी, आंसू गैस के शेल्स वगैरह फेंकने के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से जो है 11 नई मसनूआत मुतारिफ कराई हैं,
इससे जो है वो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसकी मसनूआत जो हैं उनकी रेंज में मज़ीद इजाफा होगा। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयार करदा असॉल्ट राइफल्स जो CW-39 और CW-56 उमैद जो है दीगर राइफल्स भी इस नुमाइश में मुतारफ़ कराई गई, जबकि ये राइफल्स जो है वो पाकिस्तान में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार की गई थी। जो अभी जो असर हाजिर के जदीद तकाजे हैं उनको और मुसलाफात की दिफाई जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पर तैयार की गई हैं। इसके अलावा जो है POF में तैयार करदा 60 और 81 मिलीमीटर कैलिबर के हामिल जो एयर ड्रॉप बम्ब हैं वो भी इस आईटीआर में मुतारिफ करवाए हैं, जबकि 125 mm की एंटी टैंक एमोनेशन की लॉन्चिंग भी इस नुमाइश में की गई है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताती चलूँ आलमी मैार के जो POF में तैयार करदा 5.56x45 mm एमोनेशन और 12.7x99 MM हैवी स्नाइपर्स एमोनेशन भी जो है वो आईटीआर 2022 में इस बार मुतारिफ कराए गए हैं। इसके अलावा जो है PF का जो जेली इदारा है वा इंडस्ट्रीज उसमें जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की मुकम्मल डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन और स्मगलिंग का जो आगाज किया गया है उसको आईटीआर में POF प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आलमी मैार के मुताबिक तैयारी के लिए कायम किए गए जेली इदारा है इलेक्ट्रा टेक उसको भी जो है यहाँ मुतारिफ कराया गया है। ठीक है हुदा ये भी बताइएगा जो बैरून मालिक से यहाँ पर हमारे पास पवेलियन के अंदर हमने देखा कि चाइनीज भी इंटरेस्टेड थे और उनके भी जो है वो नुमाइश के लिए चीज़ें मौजूद थी, उनकी जानिब से किन किन चीज़ों की नुमाइश की गई और साथ साथ इस पर भी ज़रा सा रोशनी डालिएगा पाकिस्तान ने जिन चीज़ों की नुमाइश आइडियाज़ में की है पाक अफवाज ने उसमें से किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया गया। जी बिल्कुल मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आइडियाज़ नुमाइश में चाइना को और तुर्की को जो है वो अलग अलग वो हॉल दिए गए हैं। चाइना ने जो है वो अपनी बहुत सारी जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई मसनूआत हैं वो यहाँ पे शो की हैं। इसके अलावा तुर्की के ड्रोन्स खास तौर पे जो है वो ज़्यादा देखने में आए और बहुत पसंद किए गए, जबकि ये अलखाले टैंक और दीगर चीज़ें जो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से पेश की गई थी उनको जो है वो ख़ास तौर पे दिलचस्पी जो आवाम की भी देखी गई। इसके अलावा जो है वो जो बैरून मुल्क से आए जो वफूद थे उनकी जानिब से भी जो है वो पसंद किया गया। जी अच्छा खुदा ज़रा आइडियाज़ की थीम भी बताइएगा किस थीम के ऊपर जो है वो इस नुमाइश को रखा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्टिकल आर्म्स है या एम्यूनेशन है, क्या थीम क्या थी इनकी? गलबन रबता मुनक़ता हो गया, दोबारा से जो है वो रबता करने की कोशिश की जाए हुदा से। और अगर बात की जाए आइडियाज़ की जिसमें हुदा हमें बता रही थी कि 11 नई मसनूआत जो है वो मुतारिफ कराई गई जो कि तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं, फिर जो डेलीगेशंस थे ममालिक के वो 64 ममालिक यहाँ पर शामिल थे। आज जो इफ्तिताह किया गया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से और मुख्तलिफ जो हायर ऑफिशल्स हैं पाक अफवाज से वो यहाँ पर मौजूद थे आज के दिन। और कल के दिन भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी और परसों के दिन भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। आज कुछ सेमिनार्स भी थे जो तवज्जो का मरकज़ बने रहे, उन सेमिनार्स के अंदर मुख्तलिफ जो जंगी हालात हैं या फिर गैर जंगी हालात हैं उनसे निमटने के लिए जो वेपन्स हैं जो चीज़ें हैं इसमें नुमाइश के अंदर उनको शामिल किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर डायलाग्स हुए, ये तवज्जो का मरकज़ बनी रही है। फिर अगर बात कर ली जाए जो दिफाई मसनूआत तैयार करने वाले इदारे हैं उन्होंने आज की अगर बात की जाए तो सोनिक क्रूज मिसाइल को भी मुतारिफ कराया आलमी दुनिया के सामने और बैनुल अक्वामी मार्केट के अंदर भी जब यह मुतारिफ कराया गया तो तवज्जो का यह मरकज बने रहे। कल के रोज भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आइडियाज का हिस्सा होंगी और किन चीजों पर फोकस किया जा रहा है, किस थीम के तहत वक्फा लेंगे। इसके बाद कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया, वो फैसला है क्या बेसिकली?